दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो देखो, चाय के दोस्तों जो चाय के दीवाने हैं ना, उनके लिए भी मार्केट ने एक पैटर्न दिया है। उसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। अभी कैसे फॉर्मेशन होती है, तो इसकी फॉर्मेशन के लिए सिंपली क्या होता है, कप जैसा फॉर्मेशन होता है जिसमें एक फॉल होता है, एक तरफ से फॉल होता है, दूसरी तरफ से मार्केट क्या होता है ऊपर की तरफ गया होता है, नीचे क्या होता है राउंड बॉटम होता है और मार्केट हैंडल की तरह नीचे की तरफ जाने लगता है। जैसे कर्व्ड हैंडल होता है वैसे कुछ उस तरह से मार्केट बनाता है और फिर इसके ब्रेकआउट आने पर मार्केट ऊपर की तरफ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। ये ट्रेडिशनल थ्योरीज बोलती हैं। तो आइए इसको लाइव मार्केट में देखते हैं, ढूंढते हैं और देखते हैं इसकी फॉर्मेशन क्यों होती है और काम क्यों करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है अभी कप एंड हैंडल पैटर्न का। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक कर्व होता है। सबसे पहली बात तो एक कर्व होता है, तो हम एक कर्व को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे कर्व दिखाई दे रहा है और आपको क्या करना है, हाईज मार्क करने हैं। सबसे पहले हाई से हाई मिला करके कर्व बनना चाहिए। देखो, एक कर्व मार्क हुआ है। यहाँ पर कर्व मार्क होने के बाद में क्या होता है, हैंडल कैसे बनता है। कोई भी कप अगर आपने देखा है तो कप का हैंडल कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है, राइट। ये इस तरह से होता है कुछ हैंडल। तो यहाँ पर हैंडल का फॉर्मेशन हुआ, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हैंडल का ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर ये हैंडल का ब्रेकआउट होता तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन जाती, बट ये फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये कप एंड हैंडल क्या हुआ, फेल हो गया। दूसरा ढूंढते हैं कहीं पर जहां पर कप एंड हैंडल ने वर्कआउट किया हो। देखो, इस जगह पर भी कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और वो वर्कआउट कर रहे हैं, बनाते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले हमने क्या बोला, एक क्या होना चाहिए, आपको मूव पकड़ना है सबसे पहले और हाइस को कनेक्ट कर देना है। हाइस को कनेक्ट करके क्या करना है, कर्व बना देना है। कर्व बनाने के बाद में एक हैंडल बनाना है। अब इसमें क्या होता है ना, एक ट्रिक होती है कि हैंडल का जो टाइप होता है ना, वो स्लाइटली नीचे की तरफ होना चाहिए। ये जो हैंडल है ना, स्लाइटली डाउनवर्ड स्लोपिंग हैंडल होना चाहिए, तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है हैंडल, ठीक है। अभी देखना, जब इसका ब्रेकआउट आता है हैंडल का, तो मार्केट दोबारा कितना मूव करता है, वो मूव करता है डेप्थ के बराबर। डेप्थ कितनी, इतनी, ये इतनी डेप्थ है यहाँ पर मार्केट की, तो मार्केट का मोमेंटम भी इतना ही हमें देखने मिलेगा दोबारा। ये देखो, कहीं ना कहीं उसके आसपास से मार्केट ने रिवर्स कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर इसको ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करो, पहला तरीका तो ये, या फिर ब्रेकआउट के रीटेस्ट को ट्रेड करो। लेकिन रीटेस्ट को ट्रेड करने में हमारे पास में हमेशा डिफिकल्टीज बनी रहती है कि कौन सी कैंडल आए तो हमें समझ में आए, या फिर कहाँ पर हम रीटेस्ट ट्रेड करें। देखो, रीटेस्ट ट्रेड करने के लिए क्या है, आप ये जो ऊपर का हैंडल आपने बनाया हुआ है, हैंडल की जो अपर सरफेस आपने बनाई होगी, जो भी अपर ट्रेंड लाइन बनाई है, उसको रीटेस्ट करके ऐसी कैंडल देने दो, या तो हैमर दे दे। जैसे यहाँ पर देखो, हैमर कैंडल दी तो सिंपली मार्केट ने वहीं से मूवमेंट शुरू कर दिया। आपको किन कैंडल्स में एंटर नहीं करना है, पहली बात, अगर आप बाइंग पोजीशन बना रहे हो तो रेड कैंडल्स पे आपकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, बी स्पेसिफिक। दूसरी बात, इन्वर्टेड हैमर पे आपकी एंट्री कभी भी नहीं होनी चाहिए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनसाइड कैंडल पे आपको एंट्री नहीं बनानी है यहाँ पर, ठीक है। और ढूंढते हैं और कहां पर कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेशन दोबारा दिखाई दे रहा है जो कि फेल हुआ है। देखो, यहाँ पर हाइज कनेक्ट किए, ये हैंडल बना, लेकिन इसके हैंडल का ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है। ये बहुत कम देखने मिलेगा आपको मार्केट में, लेकिन जब भी देखने मिलेगा, इसकी खासियत है, अगर ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखने मिलता है ना, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग इसकी बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। कैसे, देखो यहाँ पर अगर अभी मैं दिखाऊं ना, मुझे एक नेक डाइस से तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे एक कप एंड हैंडल दिखाई दे रहा है और ये बड़े टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल बना होगा। ये देखो, एक कप दिखाई दे रहा है आप लोग को, अब मुझे इसका हैंडल भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कप बड़ा है तो हैंडल भी बड़ा होगा, ये हैंडल इसका दिखाई दे रहे हैं। अब ये हैंडल का जैसे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने सिंपली सिंपली बुल रन लिया, बहुत अच्छे मूवमेंट दिए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो मार्केट ने बहुत कम कम छोटे छोटे कैंडल्स बनाए जो पोज लिया है, पर रीटेस्ट नहीं हुआ अभी तक इसका, तो आपकी एंट्रीज यहाँ पर मोस्टली नहीं बनती, ठीक है। वो कहीं पर ढूंढते हैं कप एंड हैंडल बनाए क्या, उसका ब्रेकआउट हुआ है क्या। देखो, यहाँ पर भी बड़े लेवल पे कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन छोटा सा दिखाई देता है। देखना, यहाँ से ये मैंने दो हाइस को कनेक्ट किया, ये कप का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और उसके बाद में एक हैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये सिंपल हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, अब देखना, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट भी हुआ ही, थोड़ा सा स्लाइटली इसको सही बना देते हैं। ब्रेकआउट के बाद में मैंने बोला आपको कि आप पिन बार पे एंटर करो। देखो, पिन बार पे अगर आप एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस का होना चाहिए, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लास्ट स्विंग जो था वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हर जगह पर, यानी कि
अगर मैं पिछले वाले में बात करूं, अगर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई है लेट से इस पिन बार पे, तो आपका स्टॉप लॉस होगा, ये लास्ट स्विंग है इसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद में यहाँ पे बात करें तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसका लो, अगर आप यहाँ पर एंट्री कर पाते तो। अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपका इसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट कितना होगा, डेप्थ के बराबर का, यानी कि जितनी डेप्थ है उतना मेरा टारगेट होगा। तो ये पैटर्न तो यार चाय के दीवानों के लिए है, जहां पर ब्रेकआउट होगा तो चाय के दीवानों इस पैटर्न का ध्यान रखो। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मार्केट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, बट अगर आइडेंटिफाई होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, आप टेस्ट करना, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। थैंक यू।